तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि हमने आपको दो दिन पहले एक खबर दी थी जिसको काफ़ी सारे लोगों ने बड़े ही मजाक में लिया, क्योंकि जैसे कि हमने आपको दो दिन पहले बताया था कि जो सांसद जी है भाई उदयपुर के मीणा जी, उनके द्वारा कुछ ट्रेनों के प्रस्ताव जो है जयपुर वाली बैठक में उठाया गया और वो प्रस्ताव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आखिरकार आज ये प्रस्ताव जो है सामने निकल कर आ गया है। तो डूंगरपुर ट्रैक पर 10 ट्रेनों को शुरू कराने का प्रस्ताव है। पटरियों पर विस्फोट की घटना के बाद ट्रेन के अंदर भी सुरक्षा जो है रेलवे बढ़ाने वाला है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे कमेटी की बैठक हुई। जयपुर उदयपुर रूट से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को डूंगरपुर से असरवा होते हुए रेलवे जो है चला सकता है। वो कौन सी ट्रेन होगी और क्या क्या बातें हुई जानती वीडियो के माध्यम से, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लोगों को उदयपुर असरवा वाया डूंगरपुर रेल रूट पर 10 ट्रेनों की सौगात जो है मिल सकती है। जयपुर रेलवे बैठक में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति ने उदयपुर अहमदाबाद रेलखंड में ट्रेनों को शुरू कराने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही विस्फोट की घटना को गंभीर मानते हुए रेलवे ट्रैक के अंदर और ट्रेन के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा। बैठक में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में नई रेलों को शुरू कराने, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी, रेलवे की आय बढ़ाने पर भी मंथन जो है किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे कमेटी में शामिल उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा जयपुर उदयपुर रूट से होकर 10 ट्रेनों को गुजारने के लिए जयपुर उदयपुर डूंगरपुर असरवा रूट पर ट्रेनें लाने का बड़ा प्रस्ताव जो है रखा है, जिस पर रेलवे अधिकारियों ने विचार जो है शुरू कर दिया है। इसमें से कुछ ट्रेनें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका उदयपुर हिम्मतनगर आमान परिवर्तन के चलते रूट जो है बदला गया था। रेलवे अगर इन ट्रेनों को शुरू करता है तो रेलवे की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मेवाड़ वागड़ के लाखों लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनें जो है मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। रेलवे के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी जो कि दोस्तों यहाँ पर सुगन चंद वर्मा ने बताया कि लंबी दूरी की करीब 10 ट्रेनें हैं जिनका जयपुर अजमेर उदयपुर सिटी से चलाया जाना है। कुछ ट्रेनों को उदयपुर अहमदाबाद के आमान परिवर्तन के रूट पर भी ट्रांसफर जो है किया जा सकता है। उदयपुर अहमदाबाद के आमान परिवर्तन कार्य की प्रगति के कारण चित्तौड़गढ़ रतलाम होकर कोटा होकर बदले रूट पर चलाया जा रहा है। अब जो कि उदयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग खुल चुका है तो इसमें से मद्देनजर बतौर सबसे छोटे मार्ग पर गाड़ियों का वाया उदयपुर हिम्मतनगर रेल मार्ग से संचालित जो है किया जा सकता है, क्योंकि वह यहाँ पर गाड़ियाँ पूर्व में यथावत अपनी सेवाएँ जो है दे रही, तो इस संबंध में अतिरिक्त इंजन और डिब्बों की आवश्यकता भी जो फ्रेंड्स जो है नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन का नाम, उसका शेड्यूल और उसका डिब्बा सब कुछ दोस्तों उसी के समान जो है रहने वाला है, बस टाइम टेबल में थोड़ा बहुत फर्क। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उदयपुर अहमदाबाद रूट का उद्घाटन किया, अब यह रेल आम जनता के लिए शुरू जो है किया जा सका है। अब इस रूट पर उदयपुर असरवा के बीच दो ट्रेन चलाई जा रही, डेमू ट्रेन और असरवा चूर डूंगरपुर के बीच चल रही है। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की ओर से 10 ट्रेनों को जयपुर उदयपुर असरवा रूट पर चलाए जाने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। रेलवे चाहे तो ट्रायल बेस पर 6 माह के लिए इन ट्रेनों को चलाकर फायदा और नुकसान का आकलन जो है कर सकता है। इसके अलावा ट्रेन के अंदर रेलवे लाइन पर मुख्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने की बात भी जो है कही गई है। ये सब जो चीज़ें हैं खुद सांसद जो है अर्जुन लाल मीणा ने अपने बातचीत के दौरान जो है कही है। उसके अलावा दोस्तों उदयपुर सांसद ने किन ट्रेनों का नाम रखा है वो भी जान लेते हैं। तो 19575/76 ओखा नाथ द्वारा ओखा एक्सप्रेस, 19667/68 उदयपुर मैसूर उदयपुर हमसफर एक्सप्रेस, 22985/86 उदयपुर दिल्ली उदयपुर हमसफर एक्सप्रेस, 22902/01 उदयपुर बांद्रा एक्सप्रेस, 12996/95 अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस, 17019/20 जयपुर हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 82654/55 जयपुर यशवंतपुर सुधा एक्सप्रेस, 21276/77 जयपुर नागपुर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20973/74 अजमेर रामेश्वरम सुपरफास्ट हमसफर एक्सप्रेस और साथ ही में 09601/02 उदयपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर पैसेंजर ट्रेन। तो इन ट्रेनों को इस रूट पर चलाए जाने का प्रस्ताव जो है भेजा गया है। साथ ही में इन क्षेत्रों को पुराने मार्ग पर आने से मेवाड़ वागड़ की जनता को लंबी दूरी की यात्रा करने में काफ़ी सुविधाएँ जो है प्राप्त होगी। गुजरात महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत की तरफ यात्रा करने का जो लोगों को एक सुरक्षित और किफ़ायती यात्रा का लाभ जो है इस रूट से ओपन हो जाएगा। आमान्य परिवर्तन कार्य के दौरान जब इन ट्रेनों का रूट बदला गया तब वह उदयपुर स्टेशन पर अधीक्षक पद की सेवा जो है अभी भी दे रही है और उसके सामने ही यह ट्रेनें जो है शुरू की गई है। अगर यह ट्रेनें उदयपुर अहमदाबाद रूट पर आती है तो रेलवे को अच्छा खासा यात्री भार होगा और साथ ही में रेलवे इन सभी 10 ट्रेनों को उदयपुर से 6 माह तक ट्रायल बेस के रूप में भी इस रूट पर चलाया जा सकेगा।
फिलहाल ये सब चीज़ें जो है बातचीत के दौरान जयपुर की बैठक में उठाया जा चुका है। और रेलवे इस पर क्या सोचता है कि यहाँ पर ट्रेनें चलाई जाएगी कि नहीं चलाई जाएगी, फिलहाल वह अलग बात है। फिलहाल क्या हुआ उस पूरे रूट में, कौन कौन सी ट्रेनों का मुद्दा उठाया गया, हमने सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। फिलहाल के धन्यवाद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीबॉडी।